Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, in this video, हम यहाँ पर एक बात करने वाले हैं कुछ exams के बारे में, exam promotions के बारे में. बहुत सारे doubts हैं guys, बहुत सारे questions हैं आप लोगों की कि क्या होना है, exams होने हैं, नहीं होने हैं, इसका आज हम देखते हैं क्या है. और यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हमें एक साल में 2 से 3 बार एग्जाम्स देने पड़ेंगे. अगर हम मतलब थर्ड ईयर में हैं तो क्या हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी देने पड़ेंगे, या लास्ट ईयर में है तो हमें क्या तीनों साल के एग्जाम्स देने पड़ेंगे. तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं. नेक्स्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर हम ऐसे वीडियो डालते हैं. नेक्स्ट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यहाँ पर भी हम सारी PDFs एंड इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट करते रहते हैं. सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. गाइस, आज के न्यूज़पेपर में एक ये न्यूज़ निकली है जहाँ पर स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के विद्यार्थी को होना है प्रमोट, ऐसी कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है. बट इसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर न्यूज़ दी क्या गई है. हम यहाँ पर सारे ही स्टूडेंट्स की बात करेंगे, सारे स्टूडेंट्स का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए. पहले तो यहाँ पर क्या है, कोरोना के चलते महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम, द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है. तो यहाँ पर सिर्फ आपकी सिफारिश की गई है, ठीक है. यहाँ पर एग्जैक्टली अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया है या अभी नहीं किया है, ठीक है. वो UGC के गाइडलाइंस पर डिपेंड करेगा, जो कि लास्ट उनका जो अपडेट आया था वो ये आया था कि ये जो नोबी न्यूज़ निकाली गई है कि पक्का प्रमोट हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है. UGC ने क्लियरली बोला है कि ऐसा कोई भी नोटिस उसके द्वारा नहीं दिया गया है. यहाँ पर क्या है कि एक कमेटी बिठाई थी जहाँ पर छत्रपति शाहू जी महाराज जो विश्वविद्यालय कानपुर के वहाँ के लोग बैठे थे, ठीक है. नेक्स्ट, लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी थे, महात्मा ज्योतिबाराव फुले MGPRU से भी थे. तो ये क्या है, इन्होंने एक चीज़ एक प्रस्ताव रखा है किस चीज़ का, कि ये जो भी चीज़ें हैं जो प्रमोट होना है, बच्चों को क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो जिम्मेदारी उन पर दी जाए. मतलब अगर MGPRU बोलता है कि प्रमोशन होना है तो MGPRU के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर फ़ायदा होगा. एक गाइडलाइन निकल कर आएगी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस अलग रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो एग्ज़ाम अगर कराना चाहते हैं या वो प्रमोट करना चाहते हैं, किस तरह से क्या होगा. अब देखिए, यहाँ पर कुछ बात करी गई है कि किस तरह से चीज़ें होंगी. जो यहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सेकेंड ईयर में हैं, अभी जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हैं, वो क्या है, वो प्रमोट होकर आए हैं. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या किया है, उनको प्रमोट कर दिया गया था. अब क्या है, वो ये बोल रहे हैं अगर एग्जाम्स होते हैं इस ईयर, अगर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होते हैं अभी, तो अभी के एग्जाम्स बेसिस पर उनका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट बनेगा. दो हमारा मार्कशीट बन चुकी है, आ गई थी हमारी मार्कशीट. अब इसी चीज़ पर यहाँ पर डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट बनकर आ गई है वो मान्य होगी, या फिर जो अब आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे उसके बेसिस पर आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बनेगी. क्यों, ये होगा सेकेंड ईयर वालों के लिए. नेक्स्ट, यहाँ पर बात आती है लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए. तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी क्या है, प्रमोट होकर आए हैं थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर से. तो अगर उनका 2 बार प्रमोशन हुआ है, ठीक है, तो मतलब कि दूसरी बार यहाँ पर आपका प्रमोशन होने जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा. अगर एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो आपको जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स आपने छोड़े थे वो भी आपको करने पड़ेंगे. मतलब अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो उनका कहने का मतलब ये है कि लास्ट थर्ड ईयर के एग्जाम्स और फोर्थ ईयर के एग्जाम्स दोनों ही आपको फोर्थ ईयर में देने होंगे, ठीक है. तो उनका ये कहना है यहाँ पर. अब ये चीज़ क्या है, डिसाइड करेगी कौन, यूनिवर्सिटीज. अभी गाइज ये चीज़ नहीं है क्लियर. आप सोचोगे ये जो आर्टिकल दिया है इसको पढ़ के चीज़ें क्लियर है, ये सिर्फ आपका एक आइडिया दे रही हैं, ठीक है. आपका आइडिया यहाँ पर फॉर्मेशन कर रही हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसा होगा ये कैसे पता चलेगा, जब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ अपने नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगी. ये थोड़ा वेबसाइट्स अपनी चेक करते रहिए यूनिवर्सिटीज़ का, बाकी अपडेट्स हम आपको देते ही रहेंगे. अब नेक्स्ट, यहाँ पर फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के बारे में, जो इस बार उन्होंने एडमिशन लिए होंगे तो उनके भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होंगे, ठीक है. जब फर्स्ट ईयर के उनके एग्जाम्स इस बार होने हैं, अगर उनको भी यहाँ पर क्या करते हैं, प्रमोट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उनको प्रमोट कर देते हैं, तो क्या होता है कि जब वो सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे और एग्जाम्स होंगे तो सेकेंड ईयर के बेसिस पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बनेगी. और लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स सुन लें गाइस, उनके एग्जाम्स तो यहाँ पर होने ही होने हैं, या बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है. ये टीचिंग आपका पूरा टीचिंग जो फेज होता है ये पूरा डिसाइड करता है. तो लास्ट ईयर आपकी ट्रेनिंग होती है, तो इस वजह से लास्ट ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स तो होंगे ही, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या डिसीजन आते हैं. अभी ये केवल एक ओवरव्यू दिया है इस आर्टिकल में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए जैसा कि बोला है. और अगर कोई आप कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा करिए, BLED का भी साइड में पढ़ते रहिए. अगर और आप
कोर्स कर रहे हैं तो उसकी भी स्टडी करते रहिए अगर आपके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं तो। ठीक है, ये था पूरा कॉन्क्लूजन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने ये जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना जो पूछ रहे हैं कि क्या होगा एग्जाम का क्या होगा, उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर पर आप हमको बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।